नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में सिंपली हम लोग देखेंगे चैट जीपीटी आपका शिबा इनू को लेकर के क्या बताता है कि क्या शिबा इनू 0.01 से मतलब 1 सेंट जा सकता है। 1 सेंट को अगर रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग वो 1 रुपये से थोड़ा सा कम मतलब कि 85 पैसे के आसपास जाता है। तो मतलब कि अगर आपके पास 1 करोड़ शिबा इनू का टोकन से तो नियर टू वो 1 करोड़ रुपये या थोड़ा सा उससे कम तक जा सकता है। तो आइए चैट जीपीटी क्या बताता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर आते हैं तो स्क्रीन पर आते ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक और चीज़। अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो आज के समय हर कोई क्या बोले भाई शिबा इनू का क्या प्राइस गिर गया है, मतलब क्यों ऊपर नहीं जा रहा है। फ्लकी इनू, बेबी डोज, हर कोई मतलब इतना ज़्यादा पंप कर रहा है, चाहे पेपे आपका कभी भी 40% 50% पंप कर जा रहा है। लेकिन एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो शिबा इनू को देखिएगा भाई साहब, पहला चीज़ कि अभी भी वो 15वें रैंक पर ही है। मतलब कि अगर वो गिरा रहता तो वो 15वें से आ जाता भाई 50वें रैंक पे, लेकिन नहीं, वो अभी भी मेंटेन्ड है, मतलब कि वो प्राइस में अपने जगह पे ही है। मतलब गिर रहा है तो कंपेरेटिवली सारे ही देखिए, सारे ही 0.0%, 0.030%, 0.021% ऐसे करके सारे ही प्राइस गिरे हुए हैं, यानी कि सिर्फ शिबा ही गिर रहा है। और एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये एक स्टेबिलिटी के आसपास है, मतलब कि शिबा का प्राइस अगर आप यहाँ पर आ करके देख 1 ईयर में देखते हैं तो नियर टू स्टेबल है। एक अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो कर रहा है, ना कि ये कंटिन्यूस गिर रहा है, मतलब गिर रहा है। कंपेरेटिवली देखते हैं तो सारे हैं क्योंकि ये अभी भी अपने आपको मेंटेन। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं चैट जीपीटी में। तो देखिए ये क्या बताता है चैट जीपीटी आपको, सिंपली बताता है। मैंने पूछा कि कैन यू एक्सप्लेन द पॉसिबल वे शिबा इनू कैन रीच $0.01, मतलब कि 1 सेंट पहुंच जाए, 1 रुपये के आसपास पहुंच जाए। तो देखिए ये चैट जीपीटी आपको बताता है कि जैसा कि मैं AI लैंग्वेज मॉडल हूं तो मैं एक फाइनेंशियल एडवाइसर नहीं हूं कि मैं फाइनेंशियल एडवाइस दे दूं किसी चीज़ का, बट आई कैन एक्सप्लेन सम फैक्टर्स डेट मे कंट्रीब्यूट द प्राइस ऑफ शिबा इनू एंड पोटेंशियल वेस्ट इट कुड रीच टू दिस प्राइस। ऑलराइट ना, हो गया। पहला चीज बताया कि शिबा इनू इज अ क्रिप्टो करेंसी डेट वाज क्रिएटेड एज अ मीम इंस्पायर्ड अल्टरनेटिव टू डोजकॉइन एज अ क्रिप्टो करेंसी। इट्स वैल्यू इज सब्जेक्ट टू द मार्केट फोर्सेस एंड कैन बी अफेक्ट द वेरियस फैक्टर। तो चार चीजें इन्होंने डेफिनेटली बताया कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, मतलब कि बुल मार्केट चल रहा है, न्यूट्रल चल रहा है, या मतलब मार्केट की में क्या माहौल चल रहा है, पहला चीज़ उसका। दूसरा चीज़ की एडॉप्शन और उसका यूजर्स पे ये डिपेंड कर सकते हैं, ये चार चीज़ें ने बताया। तीसरा चीज़ बताया कि कंपटीशन, मतलब कंपटीशन जो भी है, जैसे शिबा इनू फेसेस कंपटीशन फ्रॉम अदर क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग डोज क्वाइन विच हैज़ अ लार्जर मार्केट शेयर एंड मोर इस्टेब्लिश यूजर बेस। ऑलराइट ना, डेफिनेटली बताया क्योंकि उसको कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्ट सपोर्ट कौन कर रहा है भैया, एलॉन मस्क कर रहा है, तो उसको कंपटीशन डेफिनेटली भाई। बट आपको मैं और भी चीज़ें दिखाऊंगा, इससे पहले अगर एक और चीज़ देखते हैं तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी है, मतलब कि द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी एंड द फीचर्स ऑफ शिबा इनू कुड अट्रैक्ट मोर यूजर्स। मतलब कि अगर ये ज़्यादा कुछ अच्छा टेक्नोलॉजी लाए, डेफिनेटली ये वर्क कर भी रहा है, तो ये और भी यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकता है अपने अंदर, जो कि इसका डिमांड जो है वो बढ़ सके। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं, एज्यूमिंग द करेंट सर्कुलेटिंग सप्लाई, अगर यही सप्लाई रह जाए, क्योंकि इसका सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको 0.01 जाने के लिए 400 बिलियन का मार्केट कैप को कैप्चर करना पड़ेगा। 400 बिलियन का मार्केट कैप अपने आप में ही बहुत बड़ी होता है, बट ये लगभग 50 बिलियन के आसपास तो ऑलरेडी पहले ही जा चुका है। तो क्या भाई आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल में 400 बिलियन का मार्केट कैप को कैप्चर नहीं कर सकता? अगर आप 2-3 साल पहले सोचते हैं तो 2-3 साल पहले इथेरियम को भी 400 बिलियन का मार्केट कैप कैप्चर करना, इट्स मतलब अगर 2020 के पहले सोचते हैं तो डेफिनेटली उसको भी लगता होगा भाई क्या मैं 400 500 और बिलियन के मार्केट कैप को कैप्चर कर सकता हूं, ऐसा उसके भी मन में आ रहा होगा। डेफिनेटली मुझे लगता है कि 400 बिलियन के मार्केट कैप, अगर ये जैसा कि इसने भी बताया कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, अगर आप एक और चीज़ यहाँ पर आकर के नोटिस करते हैं तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया कि पहला चीज़ कि ये इतने सारे चीज़ों पे वर्क कर रहा है, अगर ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, देखिए ऑलरेडी ये शिबा स्वेप सिबोसिस में NFTs हैं या शिबा का इटर्निटी है। दूसरा चीज़ कि वो सर्कुलेटिंग सप्लाई को फिक्स किया था कि अगर यही रह जाए सर्कुलेटिंग सप्लाई तो क्या ये यहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन अगर आप एक और चीज़ को नोटिस करते हैं तो सर्कुलेटिंग सप्लाई का जो है मामला है वो शिबा में एक बर्न पोर्टल है, मतलब वहाँ पर थोड़ा 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 करके बर्न तो कुछ ना कोई कुछ हो ही रहा है, सप्लाई तो बढ़ने वाला नहीं है, बजाय उसके घट ही रहा है कंटिन्यूस। तो आने वाले साल भर 2 साल 4 साल 5 साल में घटते ही जाएगा, तो डेफिनेटली बात एक वो भी फैक्टर इफेक्ट करेगा कि थोड़ा बहुत तो प्राइस में कुछ ना कुछ ऊपर जाता हुआ देखिए। इसके अलावा इथेरियम में का मैंने कंपेयर किया कि इथेरियम भाई इतने बिलियन का मार्केट कैप है, क्या सिबेरियम
जो ला रहा है अपना लेयर टू का ब्लॉकचेन या मतलब साई जो स्टेबल कॉइन ये बनाने वाला है, ये सब मिल करके इतने सारे चीज़ों पे, ये क्या टेक्नोलॉजी नहीं है? तो ये सब मिल करके जब फ्यूचर में और भी स्ट्रांग हो जाते हैं साल दो साल में, तो क्या ये 400 बिलियन का मार्केट कैप कैप्चर कर सकता है? आप अगर बैंक्स को देखते हो तो टॉप 15 के जो बैंक्स हैं, चाहे वो आपको जेपी मॉर्गन या बहुत से बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, वो भाई ट्रिलियंस में मार्केट कैप है उनके, ट्रिलियंस में। तो क्या सीबा इन्हें कैप्चर कर पाएगा? ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन एक और चीज़, इससे पहले अगर आप एक और चीज़ नोटिस करते हैं, देखिए अगर आपके पास $1,000 अभी फिलहाल अगर इन्वेस्ट करते हैं, 5 बिलियन का मार्केट कैप है, तो देखिए अगर ये 100 बिलियन का मार्केट कैप को कैप्चर करता है तो 20x का कन्वर्ट कर चुका होगा, यानी $20,000 वो $1,000 आपका बन चुका होगा अगर ये अब के प्राइस से यहाँ तक पहुँचाता है। चॉइस होता है बिगिनर्स का कि टॉप 15 की वो क्रिप्टो करेंसी जो कि इतने सस्ते में मिल रही है, एक स्टेबल कॉइन बन चुका है, मतलब इसका प्राइस अब जाकर देखिए एक बाइक 20% अप या 20% डाउन या एक बाइक 50% अप 50% डाउन नहीं मिलेगा, वही आपका यहाँ पर बेबी डोज, फ्लकिनो, इन सब का मतलब आपको ज़्यादातर देखने को मिल सकता है। तो कंपैरेटिवली ये एक स्टेबल कॉइन बन चुका है और कम्युनिटी और होल्डर्स तो भैया इसके बेमिसाल बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस में कम्युनिटी और होल्डर्स भी मिलियंस में जा चुके हैं, 1.3 मिलियन इन 13 लाख इसके जो टोकन होल्डर है और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे वर्क कर ही रहा है। तो जाहिर सी बात है कि क्या ये 1 रुपया जा सकता है? तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर, आज नहीं तो कल, मतलब आज नहीं तो 2 साल बाद 4 साल बाद डेफिनेटली ये कुछ करेगा। अगर क्रिप्टो एडॉप्ट होता है ग्लोबली, क्रिप्टो का यूज के इन फ्यूचर बढ़ता है, तो डेफिनेटली सिबा एक धूम जरूर मचाने वाला है। आपका क्या राय है वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार है तो।